शुरू किए थे 10 साल हो गए मेरे हिसाब से, तो पहला लेक्चर मैंने ही दिया था। तो मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू दिस। जब मुझे फोन करके कहा कि प्लीज आइए, क्योंकि हम अनुपम के शो पे कुछ भी हो सकता है, मिले थे वापस, सर बोले क्लास में आना चाहिए आपको, तो मैं क्यों नहीं, इज अ डियर फ्रेंड, आई लर्न सो मच फ्रॉम हिम, एंड इफ आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू द किड्स आई वुड बी मोर देन हैप्पी।
लेकिन फीलिंग ये है, बहुत सिंपल सी फीलिंग है कि कभी कभी क्या होता है कि मैं जब एक्टर था, बहुत सारे एक्टर्स एनएसडी गए थे, एफटीआई गए थे, मैं इतना लेट आया था एक्टिंग की दुनिया में कि मुझे इतनी गाइडेंस नहीं मिली थी और ऑन द जॉब मुझे बहुत सीखना पड़ा, और गाइडेंस न सिर्फ एक्टिंग की टेक्निक की लेकिन हाउ टू बी एन एक्टर इस दुनिया में, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, छोटे छोटे टेक्निक्स होते, लाइफ की फिलॉसफी भी होती है, वो भी सीखने को बहुत बहुत जरूरी होती है। आई फाउंड इट वेरी चार्मिंग टू शेयर विद द चिल्ड्रन, आई एम कॉलिंग देम चिल्ड्रन, दे ऑल एडल्ट्स हियर। कमिंग बैक टू स्कूल, हाउ नॉस्टैल्जिक वाज इट फॉर यू? आई नेवर वेंट टू स्कूल, आई फाइंड इट एक्चुअली, जब स्कूल में या कोई क्लास में जब वापस आता हूँ, मुझे नॉस्टैल्जिया के बजाय मुझे ये फीलिंग आती है कि आई फाइंड माई इनोसेंस अगेन, वो फीलिंग आती है। क्योंकि हम लोग जब आज एक्टिंग करते हैं बहुत सारे फिल्मों में, बड़े बड़े स्टार कास्ट, बड़े बड़े बजट्स के फिल्म्स, हम लोग अपनी मासूमियत कहीं पे खो देते हैं, तो वो मासूमियत जहां से हम एक्टर बने वो कायम रखना चाहिए हमारे दिल में, हमारे दिमाग में आगे, क्योंकि उसी मासूमियत ने हमें एक्टर बनाया। एम आई यूजिंग द राइट वर्ड, मासूमियत इज राइट द करेक्ट वर्ड ना? उसी मासूमियत ने हमें एक्टर बनाया टू स्टार्ट ऑफ विथ। We become actors because we were innocent and we did it with we did things with a great amount of innocence. We have to keep that innocence going. So yahan pe aake bachcho ke samne baatein karke it rekindles innocence, bolne ka matlab ye. bhai bahut zaruri hai kyunki itne sare students jo अच्छे खासे टैलेंट के होते विदाउट इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी नॉलेज बॉम्बे आ जाते हैं एक्टर बनने को और दे गेट सम रॉन्ग आइडिया ऑफ द प्लेस और दिल टूटता है उनका और चले जाते इंस्टीट्यूट आएंगे। आज की सिनेमा देखिए ना, आज की सिनेमा कमाल की फिल्म बन रही है, एक से एक फिल्म बन रही है। आई थिंक एक्टर शुड बी ट्रेन्ड। अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आप ड्राइविंग स्कूल जाएंगे, है ना? अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है तो आप स्कूल में जाएंगे। डायरेक्टर जाके पिक्चर में काम थोड़ी करेंगे, थोड़ा बहुत तो सीखने की जरूरत सीखना जरूरी है। सो आई फील देयर शुड बी लॉट मोर इंस्टीट्यूट्स, इनफैक्ट द गवर्नमेंट शुड टेक इट अप ऑन अ मच बिगर लेवल एंड ऑल्सो वेन एवर इट्स पॉसिबल आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू हेल्प, कीप्स मी गोइंग। सॉरी मैंने वही कहा कि जैसे कि मैं यहां आके मैं अपने आप को याद कर रहा हूं जब मैंने मेरी पहली पिक्चर की थी, एक मासूमियत की बात कर रहा हूं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू फाइंड दैट इनोसेंस। मैंने यहां के जो डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट के, मैंने उनसे पूछा कि अब तक इन्होंने क्या सीखा है, तो वो लिस्ट बताई। तो वो लिस्ट में कभी कभी मुझे आई एम फीलिंग अशेम दैट देयर सर्टेन थिंग्स आई हैव फॉरगॉटन। सीखा होगा लेकिन 20 साल पहले, और आदमी भूल जाता है, स्कूल में जो सीखते हैं हम भूल जाते हैं। तो इट रिमाइंड्स मी इवन ऑफ अ सिंपल टेक्निक। उसके अलावा एक सिंपल लाइफ की फिलॉसफी है, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, एक्टिंग विल कम टू यू नॉर्मली। जी पूछिए ना। प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे हैं दिलवाले, रोहित शेट्टी की फिल्म है, शाहरुख खान, काजोल, बहुत बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर फिल्म में मैं करते रहता हूँ शाहरुख के साथ, तो और डबल इंजॉयमेंट हो जाती है। रोहित तो इज वंडरफुल गाय टू वर्क विथ। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच फन, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम मेकिंग दिलवाले। फिर हाउसफुल 3 की शुरुआत होगी अगस्त सितंबर में, और एक और फिल्म है जो मैंने अब तक साइन नहीं किया लेकिन सोच लो कि मैं कर ही रहा हूँ, वो बहुत अच्छी फिल्म है। सर एक दौर था ट्रेडिशनल सिनेमा मेकर यशराज जैसे, करण जौहर जैसे, लेकिन आज दौर बदला है, नए लोग आ गए, रियलिस्टिक सिनेमा का जमाना आ गया, विशाल भारद्वाज जैसे हमारे, तो आप इस चीज को कितना देखते हैं? अच्छा फिल्म इंडस्ट्री देखिए, हर तरह की सिनेमा होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रियलिस्टिक सिनेमा ही आ जाए और एंटरटेनिंग सिनेमा बंद हो जाए। अभी कॉमन मैन को कौन एंटरटेन करेगा भाई? आई फील ऑल काइंड्स ऑफ सिनेमा आर नेसेसरी, फ्रॉम आर्ट सिनेमा टू ऑल्टरनेटिव सिनेमा टू सम काइंड ऑफ रियलिज्म, या अपना गुड ओल्ड एंटरटेनर्स, अमर अकबर एंथनी टाइप के एंटरटेनर्स जरूरी है भाई। हम भी देखते हैं अमर अकबर एंथनी, तब क्या हम क्या अब बड़े हो गए क्या?
वी शुड वॉच ऑल मूवीज इनोसेंटली फॉर व्हाट दे आर वर्थ. हर पिक्चर की जगह है. और मैं मानता हूं कि हमारे आवाम को इतनी टेंशन होती है बस एक टू अर्न अ लिविंग. संडे पे उसको एक पिक्चर देखनी है फैमिली के साथ. गिव हिम हिज एंटरटेनमेंट ना. डोंट बिकम आर्टिस्ट्स. डोंट बिकम इंटेलेक्चुअल फॉर द कॉमन मैन. गिव हिम हिज मैं चाहूंगा कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है एक इंसान के ऊपर. जस्ट एज अ मेंबर फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, जस्ट वांटेड टू नो कि एफआईआर फाइल हुआ है एक्टर्स के अगेंस्ट, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी. दे जस्ट एंडोर्स इट. हाउ राइट और रॉन्ग इज इट? जस्ट वांटेड टू गेट योर ओपिनियन. आई फील दैट यू कैन ए एक्टर्स आर नॉट. आई डोंट थिंक आई इन माय ओपिनियन they have to take us, they have to be responsible when picking a product, but we are talking about a multinational giant of a company. Now do we go into the lab and do the testing ourselves? I don't think that's possible. And even if you do, are we going to understand it? I mean, we should stop advertising completely then. Is that possible? There's no other way anybody can advertise and say that I went into the lab, I tested that thing for years and years and years and say it's clean, now you can sign me. I don't think that's right. I mean, the person who manufactures and promises what he's saying should be held responsible. So, क्या future में actor जैसे Mr. Bachchan ने किया है clause अपने contract में sign कर दिया कि whatever the product is. होना ही है. It should be there. Do you think actors will come up with this clause? See, this is the world has become about clauses. Yes. You go onto a page of some website. There's a clause. You just tick box it. Read the damn thing. Thank you. Thank you very much. Enjoy.